मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं प्रॉपर इसकी मैंने एजुकेशन ली, जब मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने इसको अच्छे से रीड किया, मैंने इसकी एजुकेशन ली, तो मैंने जाना कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। आज मुझे पता चल रहा है कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक पूरी तरीके से हम इसको मैजिक बोल सकते हैं, जहाँ लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देता है डायरेक्ट सेलिंग का क्षेत्र। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आज यहाँ मुझे 2 साल हो गया है काम को करते करते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर वाकई में ज़िंदगी जीना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर करें, ज़िंदगी को जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती हैं, असल में ज़िंदगी को हम कैसे जिए, किस कैसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए और लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। एक आइडेंटिटी अपनी हम इस क्षेत्र में आकर के बना सकते हैं, जो मुझे नहीं लगा कि मैं टीचिंग लाइन में उसको कर पाऊंगी, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आज बहुत अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी। स्टडी करी हूँ, बीए फर्स्ट ईयर है और उसे करते करते यहाँ पे एज ए करियर मान के यहाँ पे इसको करना चालू कर दिया सर। हाँ। तो यहाँ पे पहले तो सर मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि जब मेरी एज थी ना वो 17 ईयर की थी ना, तब मुझे ये प्लान को जानने का मौका मिला, सोचा कि कुछ तो है मेरे अंदर और मुझे है ना सर पहले से एक आग थी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँ ऐसा करूँ सॉलिड करूँ। हाँ। किसी ने ना किया हो ऐसा अपने एरिया में एक नाम बना। प्राउड फील होता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ और मतलब ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स पूरा करना है बस इसीलिए। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है कि वो हर ड्रीम्स पूरे कर सकता है, जो चीज हमें चाहिए वो हर चीज हमें दे सकता है वो। अच्छा, आप सब इतने स्मार्ट हैं, लोग बहुत सारे लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा मैं करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड जानते हो, मेरा लेबल जानते हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं और आप लोगों ने इस काम को समझा और आज अपने जीवन में आपने धारण कर लिया। मैम मुझे मतलब मैंने कभी, मेरे पास आशीष सर आए थे, किरण सर आए थे, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं इतना मुझे लगा कि मैं विश्वास ना करूं। उन्होंने जैसे जैसे बोलते गए मैं वैसे वैसे करती गई और मुझे 100% विश्वास था कि मैं ये काम कर रही हूं तो जरूर सफल हो जाऊंगी। सर, हिमांशी मैम, आपका क्या सपना है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का? मेरा एक बहुत बड़ा सपना है सर। सबसे पहला सपना ये है कि मैं अपनी मॉम को, मेरी मॉम जो स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, जो बीते हुए एक जो कल था, जो पास्ट था, मैंने बहुत देखी हूँ। इवन जब हम मैं आठवीं क्लास में थी 13 साल की, तब से मैं मुझे मैच्योरिटी लेवल जो होती है थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मॉम ने जो स्ट्रगल की है आज लाइफ में अपने, तो मॉम देखती है, मैंने मॉम को देखी हूँ। तो मेरा ड्रीम एक ही है, पहले सबसे पहला ड्रीम है और सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं मॉम को एक मतलब खुशी देना चाहती हूँ, एक लाइफ देना चाहती हूँ। मैंने चाहती कि मॉम ने जो लाइफ जी है वो लाइफ मेरी मॉम फिर से जिए। और देन सेकंड ड्रीम है सर मेरा कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना। देखा भैया, मैंने आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने का क्या विचारधारा? घर वाले तो बड़े कन्फ्यूज होंगे कि बिटिया ने पहले BSc किया, MSc कर रही हैं, उसके साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स ऑलरेडी कर चुकी हैं, PhD कर चुकी हैं, अब ये नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी बला है जो इनको इतना पसंद आ गया कि इस इंडस्ट्री में चली गई? एक्चुअली में सर हम लोगों को कॉल आया था तो हमने सोचा जाके देखते हैं क्या है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, तो फिर यहाँ पे आके पता चला, सर लोगों ने अच्छे से बताए, देखे भी हमारे सीनियर लोगों को। तो पूरे भारत के लोगों को एक मैसेज दीजिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग का फोबिया लोगों के दिमाग में है कि ये काम ही ठीक नहीं है, लोगों को क्या बताना चाहेंगी आप? सर मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके भी ड्रीम्स हैं, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, अभी तो यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर पॉजिटिव है, बहुत सारे लोग जो नेगेटिव भी हैं, पर यह है कि आने वाले टाइम यही इंडस्ट्री का होगा। तो मैं भी एक हाउस वाइफ थी, मैं घर पे ही रहती थी, मैं कहीं जाती नहीं, मेरे हस्बैंड धंधा करते हैं, पर सर ने गए मुझे बताए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी अपनी चॉइस से फिर हमारे महापुरुष जी का मार्गदर्शन मिला, जब इन्होंने समझाया मेरे को तो जैसे लगा कि कहीं मैं धरती पे हूँ, आसमान में रहती हूँ। इन्होंने समझाया, मैं शुरुआत की, फिर भी मेरे पीछे बहुत लोग पड़े, बोले कि अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो, ये सब लूटने पाटने वाले हैं, मगर फिर भी मैं किसी का बात नहीं सुनी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से, इनका छत्र छाया मेरे ऊपर रहा, मैं काम छोड़ी नहीं। आज मैं इनके आशीर्वाद से, सब सर के आशीर्वाद से मैं पहला लेवल अचीव कर चुकी हूँ। बधाई हो मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा की कमी नहीं है, जीवन बदल रहा है मैम जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, एक अच्छा परिवार मिला है यहाँ, बहुत अच्छा, सबको एक अच्छा परिवार मिला है, अपनापन लगता है यहाँ देखने में। ऐसा परिवार मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, मगर जब ऐसा मिला तो अब हमको लग रहा है कि मैं कहीं बहुत आगे बढ़ने वाली। क्या बात है,
मैं पहला जो चेक आया था मेरा 7,000 का आया था। 7,000 का पहला चेक जी सर, बिल्कुल पहला चेक आया, पहली इनकम मेरी 7,000 की आई थी, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर मैं अपने घर पे बताई, मेरे मम्मी पापा सब लोग थे, मैंने बोला कि जिस काम के लिए आप मना कर रहे थे वहीं से मेरा एक हफ्ते का इनकम जो है 7,000 आया। तो पापा जी बोले कि एक बार आ गया अब नहीं आएगा। फिर उसके बाद भाई भी बोले कि अरे एक बार आ गया, आपको लुभावना दे रहे हैं ये लोग, लालच दे रहे हैं कि आप काम करो फिर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं उस समय सर अपने आप को मजबूत की, प्लस अपलाइन से मैं जो महागुरु हैं हमारे, ये जो बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि मालिक बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी सर, क्योंकि देखिए क्या ना, अभी तक तो हमने देखा जो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल रहे जहाँ भी, लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई फलाना फामारा, नर्स की पढ़ाई कर रही है, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये सारे लोग, इनके पास टाइम मैनेजमेंट किसी के पास है, किसी के पास है नेटवर्क मार्केटिंग से बनी अमीर, कोई कुछ पढ़ाई कर रहा, आखिर माजरा क्या है? सर माजरा ये है कि हम जो भी हमारी गर्ल्स हैं हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो बोला जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में, तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौके और घर पोतने के लिए नहीं है, भाई बनने के लिए नहीं है, लड़कियां महीने में लाख कमाने के लिए भी, लाख कमाने के लिए। अच्छा, लाखों की बातें आपने कर तो दी, लेकिन कहीं मजाक तो नहीं, कहीं हवाबाजी तो नहीं? मजाक नहीं है, क्योंकि हमने किया है और हम बढ़े हैं आगे, तो हमें लगता है कि ये सभी भी बढ़ सकते हैं, इसलिए हम इनको प्रमोट कर रहे हैं और गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स एक इंस्पिरेशन बने। भैया आप लोग के साथ कुछ गलत तो नहीं? मैम को बताए कि जिंदगी में तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना बहुत जरूरी, बहुत है, जरूरी है, क्योंकि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, और लड़कियां अक्सर मतलब लात मार घूसा गाली सब कुछ सहकर घुसी रहती है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको निकलने नहीं देते। वो करना तो बहुत कुछ चाहती लेकिन करने नहीं देते। तो मैं सभी को एक ही चीज बोलूंगी, प्लीज उन्हें बाहर निकालिए और उन्हें एक मौका दीजिए, और ऐसा नहीं है जिसको अगर गलत करना होगा वो घर के अंदर भी घुस के चल जाएगा और बाहर आ जाएगा।